नमस्कार दोस्तों, रियल एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पेटीएम के बारे में। पेटीएम का जो पोस्ट पेड अकाउंट है, कैसे हम डिलीट या फिर डीएक्टिवेट करेंगे, कैसे हमें क्लोज करवाना है, वो हम जानने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे गूगल पे या फिर प्ले स्टोर पे पेटीएम सर्च करके अपना एप्लीकेशन ओपन कर लीजिए। मैंने यहाँ पे अपना एप्लीकेशन है वो ओपन कर लिया है। एप्लीकेशन ओपन करने के बाद में यहाँ पे आप देखें तो बहुत सारे फीचर्स देखने को मिलेंगे, स्कैन एंड पे टू मोबाइल टू सेल्फ टू अकाउंट और बहुत सारे फीचर्स है। यहाँ पे जो मेरी पर्सनल डिटेल्स थी जिसको मैंने हाइड कर रखा है प्राइवेसी इश्यू के रीजन से, और यहाँ पे आप देखें तो आपको पेटीएम पोस्टपेड करके एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, इसी के ऊपर हमें क्लिक करना है। तो चलिए हम पेटीएम पोस्टपेड के ऊपर क्लिक कर लेते हैं। आप देखें तो दोस्तों आपने कितने रुपए स्पेंड किए हैं और कहाँ कहाँ किए वो आप यहाँ से देख सकते हैं। परंतु अब हमें यहाँ पे आप ऑप्शन देखने को मिलेगा पेइंग रेंट हैज नेवर बीन इजियर, और बहुत सारे ऑफर्स देखने को मिलेंगे जो मैंने यहाँ पे हाइड कर रखे हैं कुछ ऑफर्स यहाँ पे पर्सनल रीजन के रिगार्डिंग। अब आप यहाँ पे देखें तो एक पोस्टपेड एफएक्यू देखने को मिलेगा, हमें इसी के ऊपर क्लिक करना है। दोस्तों, आप कौन से राज्य से हमारा वीडियो देख रहे हैं वो कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको कोई भी समस्या आ रही है इस वीडियो के रिगार्डिंग या फिर पेटीएम पोस्टपेड अकाउंट क्लोज के रिगार्डिंग, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। यहाँ पे आप देखें तो हमें बहुत सारे ऑप्शंस देखने को मिलेंगे वापस। अब हमें यहाँ पे एक सबसे नीचे बॉटम में एक ऑप्शन देखने को मिलेगा जो कि यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। सबसे नीचे कैन नॉट फाइंड वॉट यू आर लुकिंग फॉर कॉन्टेक्ट अस, इसी के ऊपर हमें क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों मेरी कंपनी से काफी ज्यादा बातचीत हुई है, आप देख सकते हैं हमको चैट करना है कंपनी से, तो मैंने काफी ज्यादा बातचीत की है। परंतु जितनी भी चीजें रहती है जिसमें पर्सनल डिटेल्स मेरी लिखी हुई है, जैसे मोबाइल नंबर अकाउंट नंबर ऐसी कोई भी चीजें जो मेरी लिखी हुई है उनको मैं हाइड कर रहा हूं, और जो मेन चीज है जो कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको समझाना चाहता हूं। मैंने लिखा है आई वॉन्ट टू क्लोज स्लैश डीएक्टिवेट माई पेटीएम पोस्टपेड अकाउंट, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं इसी प्रकार से आपको लिखना है। मैं कंपनी की तरफ से आपको हमेशा रिप्लाई आएगा अपने अकाउंट को क्लोज मत करवाइए, कुछ बहाने जरूर बनाएंगे, वो ट्राई करेंगे कि आपका कस्टमर बना रहे, बट हमें उनको यही बोलना है कि हमें अपना अकाउंट डीएक्टिवेट करवाना ही करवाना है। तब जाके एंड में वो क्या कहेंगे, चलिए ठीक है सर मैं आपकी रिक्वेस्ट ले लेता हूँ, रिक्वेस्ट सबमिट कर देता हूँ। जैसे आपकी रिक्वेस्ट दोस्तों सबमिट हो जाती है तो उसके बाद में आपका अकाउंट डिलीट या फिर डीएक्टिवेट नहीं होता है। आपके अकाउंट को डिलीट या डीएक्टिवेट होने के लिए ऑलमोस्ट एक महीना लग जाता है। ध्यान से पढ़िए इस चीज को, यहाँ पे आपको क्या लिखा है, क्लोज्ड ऑन 7th ऑफ द नेक्स्ट मंथ इफ फॉलोइंग होल्ड ट्रू। कहने का मतलब ये है कि जैसे ही आप अपनी डिलीट की रिक्वेस्ट इनको दे देते हैं तो उसके बाद में आपको को अपने पोस्टपेड अकाउंट से कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, क्योंकि आप अपने यहाँ पे डिलीट की रिक्वेस्ट दे चुके हैं, तो इसके बीच में अगर आपने कर भी लिया ट्रांजेक्शन तो आपकी जो डिलीट की जो रिक्वेस्ट है, जो डीएक्टिवेट की रिक्वेस्ट है, जो क्लोजर की रिक्वेस्ट है वो कैंसिल हो जाएगी और आपका अकाउंट है वापस रीएक्टिवेट हो जाएगा। इसीलिए हमें यहाँ पे क्या करना है, कोई भी ट्रांजेक्शन बाद में नहीं करना है। और नो आउटस्टैंडिंग ड्यू ऑन द पेमेंट ऑफ द पोस्ट पेड 7th ऑफ द नेक्स्ट मंथ, मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि आपका यहाँ पे जो पेमेंट है वो बाकी नहीं होना चाहिए। अगर आपका कोई भी पुराना बिल है तो वो पेमेंट कर दीजिए, क्लियर 0/0 आपका बिल होना चाहिए। अगर आपने एक भी रुपया खर्च किया तो वो उनको वापस कर दीजिए। सही दोस्तों, इनकी दोनों कंडीशन फुलफिल हो जाती है तो इनकी ये कंडीशन है फुलफिल हो जाती है तो आने वाला जो भी महीना है उसकी 7 तारीख तो आपका अकाउंट क्लोज हो जाएगा, ऑटोमेटिकली आपका अकाउंट डीएक्टिवेट हो जाएगा। और ध्यान में रखिएगा बीच में कोई भी दूसरा ट्रांजेक्शन मत करिएगा। भी दोस्तों अगर आपके दिमाग में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, आपकी पूरी मदद करूंगा। और दोस्तों आप कौन से राज्य से हमारा वीडियो देख रहे थे कमेंट में जरूर बताइए। आज के ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।